ठीक है मैडम? हाँ हाँ वेरी नाइस। पैक कर दूँ? या श्योर। अशोक इधर ड्रेस पैक कर देना जरा। जयंती भाई पुलिस आई थी एक लड़की की खोज में। मुझे मालूम है। मेरे लिए आपका बिल। लेकिन मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। क्या? हाँ आई थिंक ये अच्छा है, मैं ये ड्रेस लूंगी। ये आपकी साइज का नहीं है। इट्स ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं यही ड्रेस लूंगी। क्या दाम है इसका? 12,500। ओके लेकिन इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं है। क्या मैं थोड़े पैसे एडवांस देकर ड्रेस बुक करा सकती हूँ? आप जरा काउंटर पर बात कर लीजिए। ओ या श्योर थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। मैंने ऊपर एक ड्रेस सिलेक्ट किया है। एक्चुअली आई एम नॉट कैरिंग मच मनी, लेकिन क्या मैं 1,000 rupees एडवांस देकर वो यहाँ बुक करा सकती हूँ? हियर इट इज। सी आई विल सी टू इट कि मैं कल डेफिनेटली पिकअप कर लूंगी, लेकिन कोई और को तो आप नहीं बेच देंगे ना ये ड्रेस? अरे नहीं नहीं मैडम, आप बेफिक्र रहिए, हमारी दुकान के भी कुछ उसूल है। लेकिन कोई और तो उसे ट्राई नहीं करेगा ना? नो मैडम प्लीज डोंट वरी, ये ड्रेस आपका है तो आपका ही रहेगा। या थैंक यू, कैन यू गिव मी? या श्योर जस्ट अ मिनट। ये हमारी दुकान का कार्ड, ये कार्ड दिखाइए और आपका ड्रेस कल ले जाइए। थैंक यू। What the hell do you mean गायब हो गई? अरे बाजार में दिन के उजाले में एक खतरनाक मुजरिम, एक खतरनाक लड़की जिसे पुलिस ढूंढ रही थी, तुम्हारी नजरों के सामने गायब हो गई। तुम लोग क्या कर गायब बंद करके बैठे थे? सर उसने अपना हुडी ऐसे बदल रखा था कि नजर धोखा खा गई, पहचानने में देर हो गई। देर हो गई, देर और अंधेर दो ही लफ्ज है तुम लोगों के पास। अरे यार बाजार तो ना कर सकते थे, बैकअप के लिए फोन कर सकते थे मुझे। सर वही करना चाहा, फोन भी उठाया मगर पलक झपकते वो लड़की वहां से गायब हो गई। मैंने आसपास की दुकानें और बाजार छान मारे लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? नेक्स्ट मूव क्या होगा? आप जाइए और पान के गले में बैठे और आप जाकर टैक्सी चलाइए। सॉरी सर। जाओ 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 जाओ, रिपोर्ट लिखो। हेलो डीसीपी जयरत हियर, बोलिए। सलाम वालेकुम साहब, इब्राहिम मूसा बोल रहा हूँ। इब्राहिम मूसा साहब बोल रहे हैं? हाँ साहब, हमारे चाचा इब्राहिम ईसा मेरा से आ गए हैं साहब। अच्छा इब्राहिम ईसा साहब, यानी कि आपके चाचा जी आ गए हैं? हाँ साहब, मैं उसे पुलिस स्टेशन लेके आऊँ? नहीं 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 आप मत ले आइए, मैं खुद आपकी दुकान पर आता हूँ। ठीक है साहब, शुक्रिया। एक पंछी उड़ गया और दूसरा खुद ब खुद पिंजरे में आकर बैठ गया। इस जगह तो भी उसका पता नहीं है, तीन जगह देख चुके हैं, लगता है हीरे के भाग गई। नो दैट्स इम्पॉसिबल। शालिनी दत्त की जिंदगी में सिर्फ एक ख्वाहिश है हाई कमांड से मिलने की। कनाडा का पता उसे सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मिलने वाला था। तो क्या वो हीरे लेके दिल्ली चली गई? नो शी इज स्टिल इन बॉम्बे। यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? लालू भूषण शर्मा राजधानी के पास खड़ा था। शी हैज नॉट येट बोर्डेड द ट्रेन। किसी और ट्रेन से भी जा सकती है, सवाल ही नहीं उठता। हेलो इसका? लालू भूषण है। अब बोलो क्या? आई सी, ओके। क्या कह रहा था? लालू भूषण को पता है कि शालिनी कहां छुपी हुई है। कहां?
इब्राहिम ईसा जी ने मैं इस्माइल खीसा हूँ। आप इस्माइल खीसा हैं? जी हाँ। इब्राहिम ईसा साहब कहाँ हैं? अंदर है। बुलाइए। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई। आइए डीसी साहब। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? खिदमत? खिदमत तो मैं आपकी करने आया हूं ईसा साहब। आपका भतीजा कहां है? भतीजा मार्केट गया है सर। मार्केट? मतलब यह हुआ कि जब वो होता है तो आप नहीं होते और जब आप होते हैं तो वो नहीं होता। कुछ समझा नहीं सर। आप तो बड़े समझदार आदमी हैं, समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप अनाड़ी नहीं है ईसा साहब, खिलाड़ी हैं। बोलता है पोपट। ये जब बोलने लगता है तो इसे चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। मेरे पास स्टेशन में भी एक बोलता पोपट है, लेकिन वो बोलता नहीं, बुलवाता है। और जब वो बुलवाना शुरू करता है ना तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। पोपट छोपट को जाने देते हैं। आप ये बताएं, क्या आपने मैना को कभी देखा है? देखिए, गौर से देखिए। मेरा ख्याल है इस लड़की को मैं पहली बार देख रहा हूं इस तस्वीर में। अब ये मत कहिएगा कि इस बिल को भी आपने पहली बार देखा है। आप ही की दुकान का है? सात हजार पांच सौ कबूतर। लेकिन फिलहाल आपकी दुकान में तो एक भी कबूतर नजर नहीं आ रहा, लगता सारे के सारे उड़ गए। देखिए फिर। हेलो, रॉन्ग नंबर। नंबर तो सही था ईसा साहब, लेकिन आप आदमी बहुत रॉन्ग है। पढ़ाई कौन कौन सिग्नल? हेलो, आप बोलिए। ठीक है, भिजवा देंगे। किसका फोन? 20,000 रुपए एक तस्वीर। कौन था? देखिए, अगर आप मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको आपकी दुकान से उठाकर मारता मारता सीधा स्टेशन पर ले जाऊंगा। शुरू करो। करो। एक मिनट सर। विश्वनाथ जवाहर मेहसानी, प्राइवेट डिटेक्टिव? यस सर। मतलब ये दुकान आपका फ्रंट है? दिखावे की ये दुकान? सर एक कन्फेशन और करना चाहूंगा। करिए, कन्फेशन करिए। जितनी कन्फेशन करना चाहते हैं आप सारी की सारी आज कर दीजिए। उस दिन पुलिस स्टेशन में आया था मेरा भतीजा इब्राहिम मूसा। जी नहीं, भतीजा आपका नहीं था, वो आप ही थे। ईसा इब्राहिम और मूसा इब्राहिम आप ही। देखो, पुलिस कोई एमए नहीं होती है, पुलिस को धोखा देने की कोशिश कभी मत करना, अंडरस्टैंड? अब आप ये बताइए, ये जो बिल आपने बनाया है किसके लिए बनाया है? कौन है क्लाइंट आपका? देखिए सर, मेरे क्लाइंट से जो मुझे पैसे मिलते हैं उसकी पक्की रसीद तो मैं नहीं दे सकता, इसलिए इब्राहिम पंछीवाला के कैश मेमो पर
ट्रांजेक्शन करता हूँ इन कोड वर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7,500 कबूतर हैं वो 7,500 आपकी ट्रांजेक्शन की रकम है। यस सर, 7,500, 7,500 मेरे चार्जेस। और जो कबूतर हैं वो? कबूतर यानी लड़की। कबूतर मींस लड़की। वेरी नाइस। इस लड़की पर मेरे क्लाइंट ने मुझे नजर रखने के लिए कहा था, उसके अवेज में 7,00,000 रुपये उसने मुझे दिया विथ मटेरियल। विथ मटेरियल? एंड व्हाट द हेल इज मटेरियल? मटेरियल मींस डेवलपिंग, प्रिंटिंग चार्जेस एंड नेगेटिव्स एक्सेट्रा। फोटोग्राफ्स? कोई फोटोग्राफ है आपके पास इस लड़की का? ये लड़की है ना? यस सर। ओह माय गॉड, शालिनी दत्त और विशाल के पिताजी मिस्टर मल्होत्रा। क्या हो गया? ये फोटोग्राफ आपको किसने लेने के लिए कहा था? कौन इस लड़की पे नजर रखना चाहता? एक आदमी था गंजा, जिसने अपना नाम लालू भूषण शर्मा। लालू भूषण शर्मा, LBS। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। ईसा साहब शहर छोड़ के, विश्वनाथ जी, शहर छोड़ के मत जाइएगा, आपकी जरूरत कभी भी पड़ सकती। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी है ना? खरगोश जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता था, बहुत अकलमंद समझता था, होशियार समझता था अपने आप को, किस तरह हार गया था और कछुआ जीत गया? मैं कुछ समझा नहीं। जिस लड़की की पुलिस को तलाश है, जिसके सर पर एक कत्ल का इल्जाम है, जिस लड़की ने आपके बेटे को मारने की कोशिश की, उस लड़की के साथ आपकी तस्वीर है। मल्होत्रा साहब, आपका इस लड़की से क्या संबंध है? मल्होत्रा साहब, आपकी खामोशी यह साबित कर रही है कि आप उस लड़की के साथ उसके हर गुनाह में शामिल थे। नहीं सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। भला कोई बाप अपने बेटे का कत्ल खुद करवाना चाहेगा या करना चाहेगा? नहीं सर, मैं किसी भी गुनाह में उसके साथ शामिल नहीं हूं। मल्होत्रा साहब, ना तो आप कोई फिल्म स्टार है, ना कोई क्रिकेटर है जो आपके साथ कोई शौकिया तस्वीर खिंचवाए। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या संबंध है आपका इस लड़की से? अगर आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना मल्होत्रा साहब, तो इस कमरे के पीछे एक और कमरा है, अगर मैं आपको वहां ले गया ना तो आपके चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं आएगी। एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट, सो प्लीज आंसर मी, क्या संबंध है आपका उस लड़की के साथ? सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन सर आपको मुझे एक वादा करना होगा कि आप को मैं जो कुछ भी बताऊं, आप ये सारी बातें मेरी फैमिली तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि क्योंकि माय फैमिली कैन ब्रेक सर। अंडरस्टैंड, कोशिश करूंगा। बोलिए सर, इस लड़की का नाम ना तो शर्ली डिकोस्टा है और ना तो शालिनी दत्त, इसका असली नाम है शबनम। एक दिन ये मेरे यहां सेक्रेटरी का काम मांगने आई थी, मुझे लड़की अच्छी लगी और मैंने इसे नौकरी दे दी। मुझे इसके किसी भी गुनाह के बारे में कुछ भी पता नहीं था सर, इसीलिए मैंने इसे अपने घर में अपने बेटे विशाल को पढ़ाने के लिए भी रखा था।
हम लोग को मिलने का मौका नहीं मिलता था, तो एक दिन उसे बिना बताए ही मैं उसके घर पहुंच गया। सरप्राइजिंगली उसके घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, तो अंदर से मुझे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें बहुत सुनाई दी, जैसे कि वो लड़ रहे हो। You bloody swine! क्या कर रही हो तुम? क्या है ये? इसलिए मैं तुम्हारे पीछे इतने पैसे खर्च कर रही हूँ? You idiot! So bad to behave with me! क्या है? ये क्या है? How dare you to behave like this with me? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव रखा? You shut up! Shut up! ये तुमको कहाँ से मिला? You idiot! उस प्राइवेट डिटेक्टिव को देने के लिए तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? वो तुमको क्या करने गए? Shut up! Oh yeah! ये पैसे तो तुम्हें उस हाई कमांड ने दिए होंगे ना? I don't understand कि ये हाई कमांड ब्लडी मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाला होता कौन है? Look, उसे कहना कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर ना करे। मैं सिर्फ उसकी गैंग एलजीएस के लिए काम करती हूँ, उसे मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ओके, नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट आई सेड, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। हाई कमांड से कहना कि उसके करोड़ों के हीरे मेरे पास सलामत पड़े हुए हैं, मेरा कमीशन दे दे और आकर अपने हीरे ले जाए। ओके लालू भूषण शर्मा, नाउ गेट आउट। वो गंजा लालू भूषण शर्मा जैसे उसके फ्लैट से बाहर निकला तो उसकी नजर से बचने के लिए मैं पहले ही सीढ़ियां उतर गया। बस सर, आप यकीन मानिए, मैं उसके बाद उस लड़की को नहीं मिला और ना ही वो मुझे मिली है। बिलीव मी सर, इट्स ऑल ओवर सर, इट्स ऑल ओवर सर, खत्म हो गया सब कुछ। और कुछ शबनम के बारे में आप मुझे बता सकते हैं? यही कि वो करोड़ों के हीरों की हेरा फेरी करने वाली थी और शायद उसी हेरा फेरी में वो मुझे फंसाना चाहती थी। उसका असली पता आई कहाँ मिलेगी अब कम है। एक दिन मैंने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी तो जिस जगह पर मैंने उसे उतारा था वो जगह बड़ी ही सुनसान थी और कोई मिल थी जो बंद थी। मिल कहाँ थी, उसका एड्रेस बताएंगे मुझे? क्राउन मिल कंपाउंड, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, साकिना का। थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा, यू बीन अ बिग हेल्प। नेक्स्ट टाइम डू नॉट चीट ऑन योर वाइफ, शी इज अ नाइस लेडी।